हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। बहुत से कैंडिडेटों ने अपना रिजल्ट देखा है, लेकिन उन कैंडिडेटों बहुत परेशान है जिनका काउंसलिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है, और साथ ही साथ रिजेक्ट लिस्ट भी जारी किया गया है दोस्तों। और जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया है उनका भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग उसमें जाके नाम अपना चेक कर लें कि आपका नाम एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, जिन लोगों का 60 है 65 है उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। लेकिन जिनको 70 और 75 या ज़्यादा वाले को बाहर कर दिया गया है और कम वाले को सिलेक्शन हुआ है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, और सबसे पहले आपको अपना रिजेक्ट लिस्ट और एक्सेप्टेड फॉर्म अपना चेक कर लें। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप लोग ऑनलाइन किए थे, और उसी के नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट हु सबमिटेड द फाइनल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी का नाम, ये पोस्ट का नाम है, इस पोस्ट के अनुसार आप यहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके नीचे में जब आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हु डिड नॉट सबमिटेड द फाइनल एप्लीकेशन। तो जिन लोगों को अधूरा करके छोड़ दिया था उसका भी लिस्ट दे दिया है, तो आप लोग भी यहां से डाउनलोड करके अपना नाम देख लीजिएगा। और उसके बाद यहां पे जिन लोगों का काउंसलिंग के लिए यहां पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है उसका यहाँ पे PDF दिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी एक पे हम मान के चलिए क्लिक कर देते हैं, रिजेक्ट जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसी पे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पे देखिए PDF ऑलरेडी हम डाउनलोड किए हैं, इसलिए फोर्स कर रहा है डाउनलोड करने का। तो यहाँ देखिए ये खुल जाएगा, देखिए ये खुल चुका है। 2248 पेज में इसका है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट हु डिड नॉट सबमिटेड द फाइनल एप्लीकेशन। तो इस तरह से फिर हम बैक चलते हैं, और आप लोग इसी तरह से टोटल जिन लोगों ने ऑनलाइन किए हैं जिनका एक्सेप्ट हुआ है, लगभग 9000 फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है जब हम पहली वाला डाउनलोड किए थे उसमें, उसी तरह अलग अलग आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जिन लोगों का 60 हुआ है और 75 है उनको सिलेक्शन हुआ है, और जिनका 70 प्लस है उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्राइवेट और गवर्नमेंट का। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से, जो लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पास किए हैं, सबसे पहले उनको सिलेक्शन किया जाएगा, और जो डोमिसिल ऑफ बिहार है उनको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके लिए 40% जो है सीट रिजर्व है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप गवर्नमेंट से किए हैं और आपका मार्क कम भी है तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप प्राइवेट से किए हैं और आपका मार्क ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ है, और डोमिसिल बिहार का है, अदर स्टेट का है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट का है, बस इसी में थोड़ा सा अंतर है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लियरेंस कर दिया गया है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग इस ऑफिशियल साइट पर आके सारा कुछ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।